हेलो दोस्तों भाई, अभी बॉलीवुड में क्या पता किसको किसकी नज़र लग गई है भाई। कल से बैड न्यूज़ मिल रहा सुनने को, कल भी बैड न्यूज़ मिला सुनने को, जो कि इरफान सर नहीं रहे हैं। एक आज आ रहा, एक बैड न्यूज़ आ गया भाई, जो कि आज ऋषि कपूर साहब इस दुनिया को अलविदा कर गए भाई। मतलब बॉलीवुड पूरा शोक में है, मना रहे कल से, कल भी शोक मना रहे थे बॉलीवुड, आज भी शोक में है। मतलब कि 2020 जो है ना भाई, कुछ तो गलत हो रहा है। 2020 2020 किसी के लिए सही नहीं है। जब से चालू हुआ है कुछ ना कुछ होते ही चल रहा है अभी 2020। देखो, ऋषि कपूर बहुत अच्छे एक्टर थे। मेरा नाम जोकर से उन्होंने मूवी में डेब्यू किए थे, जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था उनको। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू रोल था उनका। 1970 में ये मूवी आई थी। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट लीड रोल में बॉबी मूवी की है, जो कि डिंपल कबाड़िया और ऋषि कपूर की मूवी थी बॉबी। 1973 में ये मूवी रिलीज हुई थी, जो कि बहुत बड़ी हिट हुई थी ये मूवी। इसको राज कपूर ने डायरेक्टर किया था, जो कि ऋषि कपूर के फादर थे। उसके बाद ये फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर भी इनको मिला था 1974 में, क्योंकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इनको ही मिला था, ऋषि कपूर को। इनकी जन्म तिथि थी 4 सितंबर 1952, और आज है 30 अप्रैल 2020। 67 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया से अलविदा कह गया। बहुत अच्छी अच्छी मूवी दी है उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में, एक से एक मूवी दी है भाई। और सालों से वो बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। मतलब कि उनकी पुरानी मूवी आप देख लो, हीना, दीवाना, फिर बहुत सारी मूवी, घर एक मंदिर, ऐसा वैसे बहुत, मतलब पारिवारिक मूवी, लव स्टोरी मूवी, रोमांटिक मूवी, बहुत मूवी में उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवी दी थी। ऋषि कपूर का इनका बेटा है रणवीर कपूर, जो कि अभी वो भी अच्छे अच्छे मूवी देते हैं। तो ये बहुत सैड न्यूज है यार। मतलब कि कल सुना इरफान खान के बारे में, आज फिर ऋषि कपूर सर के बारे में। मतलब कि क्या हो रहा बॉलीवुड में, मतलब सब अच्छे अच्छे स्टार लोग सब हमारे दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं। बहुत बैड न्यूज है भाई। बस भगवान उनको आत्मा को शांति दे, क्योंकि ऋषि कपूर की मूवी याद नहीं आ रही है मेरे को। लास्ट मूवी उनकी देखी थी मैंने, इमरान हाशमी के साथ आया था उनके फिल्म में, ध्यान नहीं है उनका नाम। इमरान हाशमी के साथ आई थी मूवी जल्दी में पिछले साल, क्योंकि उनकी लास्ट मूवी है वो। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा मूवी रिलीज नहीं हुआ उनका, वो लास्ट मूवी थी। तो मैंने देखी थी लास्ट मूवी भी उनकी। उनकी मूवी जो थी ना यार, मुल्क हो गया, मतलब कि अभी भी वो अच्छे काम कर देते हैं। इतना 67 साल के, 60 साल की उम्र में अच्छी अच्छी मूवी भी देते थे वो। मतलब लीड रोल में नहीं, सपोर्टिंग रोल में आते थे, मगर अच्छी मूवी दे के जाते थे। तो बस मैं यही चाहूँगा कि ऋषि कपूर सर, आप हमेशा सबके दिलों पे राज करोगे। आप लोग आपकी मूवी तो देखते ही हैं। आप भले चले गए दुनिया से, मगर आप दिलों पे राज जरूर करोगे, आप सबके दिल पर। बस इतना ही। ओके, बाय।